हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा मेन टॉपिक है फोटोरिस्पायरेशन या C2 साइकिल। इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्लाइकोलिक एसिड जो कि 2 कार्बन वाला होता है इसलिए उससे स्टार्ट होता है, इसलिए इसे ग्लाइकोलेट साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑटो वारबर्ग ने 1920 में बताया था कि वायुमंडल में यदि O2 की कंसंट्रेशन यदि अधिक होगी तो क्या होगा, फोटोरिस्पायरेशन की प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट होगी। लेकिन ये फोटोरिस्पायरेशन की प्रोसेस ओनली C3 प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, C4 प्लांट्स में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। C4 प्लांट्स में यदि O2 की मात्रा यदि अधिक भी यदि एटमॉस्फेयर में यदि O2 की मात्रा यदि अधिक हो भी जाती है तो भी C4 प्लांट्स में क्या होता है, फोटोरिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होती। फोटोरिस्पायरेशन की प्रोसेस ओनली C3 प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। फिर फोटोरिस्पायरेशन जो प्लांट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं C3 प्लांट्स, तो डेकर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो टोबैको में फोटोरिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है इसके पश्चात क्या होती है, ये C3 चलने वाले क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। और ये आपको मटर, चुकंदर, हेलियंथस, ओराइजा, कैप्सियम, कोलेरा आदि आपको में देखने को मिलती है। ये सब क्या होती है, C3 प्लांट्स होती है जिसमें क्या होती है, फोटोरिस्पायरेशन की क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। लेकिन फोटोरिस्पायरेशन की प्रोसेस आपको ट्रॉपिकल ग्रास में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो और इसका साइड क्या होता है फोटोरिस्पायरेशन का, तो पहले जो फिक्स साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है, ये क्या होता है, पेरोक्सिसोम में होता है। इसलिए पेरोक्सिसोम को ग्लाइकोलेट साइकिल का क्या कहा जाता है कि दोनों में क्या होता है, घनिष्ठ रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये जो साइकिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट से होते हुए पेरोक्सिसोम फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले साइकिल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो रुबुलोज 1,20 फास्फेट से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। तो रुबुलोज 1,20 फास्फेट क्या कर रहा है, ये क्या है, रुबुलोज 1,20 फास्फेट है, ये क्या कर रहा है, 2O2 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने पर क्या कर रहा है, ये 2-फास्फोग्लिसरॉल क्या बना रहा है, ग्लिसरेट क्या करता है, बनाता है। ठीक है, अब 2-फास्फोग्लाइकोलेट बनाता है जिससे कि 3-फास्फोग्लिसरेट क्या हो गया, निकल गया, 3-फास्फोग्लिसरेट क्या हो गया, इधर आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर से ये 5 कार्बन वाला रहता है, फिर 2-फास्फोग्लिसरेट बनाता है और क्या करता है, 3-फास्फोग्लिसरेट में क्या हो गया, बनाता है। ठीक है, अब क्या करता है, ये H2O के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, कौन करता है, 2-फास्फोग्लाइकोलेट करता है जिससे कि क्या करता है, ग्लाइकोलेट का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कर देता है, फिर ये ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कर, इस ग्लाइकोलेट को ही हम ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं जो कि क्या होते हैं, 2 कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्लाइकोलेट को हम ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं जो कि क्या होते हैं, 2 कार्बन वाले होते हैं, इसलिए से ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, प्राइमरी सब्सट्रेट होता है। अब क्या होता है, अब जो ग्लाइकोलेट था वो पेरोक्सिसोम में जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट किस में जा रहा है, ग्लाइकोलेट क्या करता है, पेरोक्सिसोम में जाता है, और पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट क्या किया, पेरोक्सिसोम में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में जाता है, फिर ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में गया, फिर ये क्या करता है, O2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में गया और O2 के साथ रिएक्ट किया जिससे कि उसने क्या बना लिया, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड या ग्लाइकोलेट बना लेता है। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक, तो अभी क्या बना लिया, ग्लाइकोलेट था उसने ग्लाइऑक्सिलेट बना लिया। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट बना लिया और क्या करेगा, अब यही ग्लाइऑक्सिलेट क्या करता है, ग्लाइसिन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लाइसिन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और जो H2O2 था ये क्या था, H2O2, वो क्या हो जाता है, ऐसा कैटेलाइज हो जाता है और ये 2H2O और क्या बोलते हैं, O2 को क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, 2H2O और O2 क्या कर दिया इसने, निकाल दिया। अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है, जो ग्लाइसिन रहता है, ये ग्लाइसिन
ठीक है, ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, अब ये ग्लाइसिन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ग्लाइसिन किस में गया, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और क्या करता है, H2O के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में गया और H2O के साथ रिएक्ट किया और CO2 को निकाल दिया, ठीक है। फिर NADPH जो था वो NAD+ था, वो NAD+ बनाया और ये एक प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। फिर उसने क्या बनाया, सेरिन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो सेरिन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है, ये सेरिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, सेरिन के बाद क्या हो जाता है, सेरिन जो होता है वो हाइड्रोपाइरेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब सेरिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो हाइड्रोपाइरेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सेरिन हाइड्रोपाइरेट में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या करता है, ये NADPH से क्रिया करके NAD+ निकाल देता है। और क्या करता है, NAD+ इसने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। NAD+ निकाल दिया, फिर NAD+ निकाल दिया और ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। इस ग्लिसरेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस ग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये भी ग्लिसरेट क्या हो गया, ग्लिसरेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर ये ग्लिसरेट कहाँ चले जाता है, क्लोरोप्लास्ट में चले जाता है, पेरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गया, चला जाता है। और क्या करता है कि ग्लिसरेट अब यहाँ से ATP से रिएक्ट करके ADP को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब इसने क्या बनाया, 3-फास्फोग्लिसरेट बनाया, ठीक है। अब ये 3-फास्फोग्लिसरेट केल्विन साइकिल में चला जाता है और यहाँ से भी जो था उसमें केल्विन साइकिल में क्या हो जाता है, ये चला जाता है और जो हमारा साइकिल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीट हो जाता है।